जगुआर इस घटना के पीछे आ गया और सांप ने महसूस किया कि ये हराने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंदी है और सांप सब कुछ छोड़कर अमेज़न की पानी में गायब हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला, क्या वास्तव में रबर के जूते एनाकोंडा के पेट के एसिड में घुल सकते हैं? एनाकोंडा का गैस्ट्रिक एसिड निश्चित रूप से एक शक्तिशाली पदार्थ है जो बड़े बड़े जानवर की हड्डियों को भी पचाने में सक्षम है, लेकिन इस प्रक्रिया को आमतौर पर दिनों की जरूरत पड़ती है या कभी कभी हफ्तों की भी। दूसरा कि जब एक जैगवर वहाँ से गुजरा तो उसने हैरिस पर हमला क्यों नहीं किया? शायद वो उस लिक्विड के नीचे था इसलिए। लेकिन जो भी है, जंगल एक अप्रत्याशित जगह है और ये सच है कि ये जानना मुश्किल होता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हैरिस दक्षिण अमेरिका के एक अस्पताल में कुछ समय बिताने के बाद न्यूयॉर्क लौटता है बिना एनाकोंडा के, बिना पैसे के और बिना एक उंगली के, लेकिन अपने स्वयं के जीवन के मूल्य की बेहतर समझ के साथ और उस जैगवर के लिए आभार के साथ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक एनाकोंडा के द्वारा निगला जाना क्या हो सकता है और इससे बाहर निकलना हैरिस के लिए कैसा रहा होगा?